जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। इस महा में भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप अवतार लिया था, जिन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। सनातन धर्म में काल भैरव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए हर महीने काला अष्टमी पर भैरव बाबा की उपासना की जाती है। काल भैरव अष्टमी 5 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। भैरव के दो स्वरूप हैं, एक बटुक भैरव जो भगवान शिव के बाल रूप माने जाते हैं, यह सौम्य रूप में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरे हैं काल भैरव, जिन्हें दंड नायक माना जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर 2023 को रात 9:59 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 दिसंबर 2023 को प्रातः 12:37 पर हो जाएगा। काल भैरव की पूजा रात्रि काल में उत्तम मानी गई है, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले काल भैरव बाबा की सामान्य पूजा करें। गृहस्थ जीवन वालों के लिए पूजा का समय सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। निषेधाकाल मुहूर्त 5 दिसंबर 2023 रात 11:44 से देर रात 12:39 तक रहेगा। यह मुहूर्त 6 दिसंबर का है और भगवान काल भैरव भगवान शिव की भयान वह अभिव्यक्ति है। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर वह प्रसन्न हो जाए उसके कभी नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधा और भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इनकी पूजा के बिना भगवान विश्वनाथ की आराधना अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भैरव को के भक्तों का आहित करता है, उसे तीनों लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। इस दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि करना चाहिए, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। काले रंग का वस्त्र इस दिन आप पहन सकते हैं। काल भैरव का मन में ध्यान करते हुए गंगा जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर के सामने धूप दीपक अगरबत्ती जलाएं, दही बेलपत्र पंचामृत धतूरा पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा विधि निम्नानुसार करते हुए काल भैरव के मंत्रों का जाप करते रहें। अंत में आरती करें और आशीर्वाद लें। शाम की पूजा आरती करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन व्रत का पारणा करें और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य दें और इसके साथ ही ब्राह्मण भोजन भी आप अवश्य करवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री भैरव।